अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद है मुजफ्फराबाद में और आज डेट है 26 दिसंबर 2022 और हम जा रहे हैं छम वाटरफॉल झेलम वैली। मुजफ्फराबाद में ये हैं क्वेटा वाले पराठे जो याद दिलाते हैं कराची की, क्योंकि ये पराठे नॉर्दर्न एरिया में और कहीं नहीं मिलते। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकले झेलम वैली छम वाटरफॉल के लिए और मुजफ्फराबाद से झेलम वैली छम वाटरफॉल का रास्ता है टोटल 64 किलोमीटर, जिसकी टाइमिंग है 3 घंटे। 3 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच जाते हैं छम वाटरफॉल, लेकिन उससे पहले झेलम वैली के बेहतरीन से साइट सीन। है चिनारी मार्केट और मुजफ्फराबाद से चिनारी मार्केट तक बहुत ज़बरदस्त रोड है। आपके पास कोई भी गाड़ी हो तो मुजफ्फराबाद से झेलम वैली चिनारी मार्केट तक आप बहुत सुकून से आ सकते हैं, लेकिन यहाँ के बाद आगे छम वाटरफॉल तक बिल्कुल ऑफ रोड है। तो आपके पास कोई भी गाड़ी हो, बराए मेहरबानी 8-9 हज़ार रुपये बचाने के लिए अपनी गाड़ी का बेड़ा गर्क ना करें। तो यहाँ से जीप लें, हमारा सफ़र शुरू हो रहा है 4x4 जीप का। से चिनारी तक, फिर चिनारी से ऊपर जीप ट्रैक के बाद अब ये है पैदल ट्रैक, और पैदल ट्रैक है सीढ़ियों का, तो इजी है, कोई टेंशन नहीं है, सब जा सकते हैं, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, सब उतर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सेफली सीढ़ियाँ इन्होंने बना दी हैं। हाँ, तो हमारा जो हमारे साथ नन्ना सा प्यारा सा बच्चा है, वो आपके भाई से पूछ रहा है कि आप डेली व्लॉग बनाते हो। तो यार यकीन मानो, दिल तो बहुत होता है कि हम भी डेली व्लॉग बनाएं अल्हम्दुलिल्लाह, और व्लॉग में आपके भाई अच्छी अच्छी जगहें, अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी चीज़ें बताया करता है, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं है, टाइम आपका भाई बहुत बिजी रहता है, ताकि आपके लिए इन जगहों पर अच्छे अच्छे से मनाज़िर कैच कर सके। Thank you.
कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अरे माशाल्लाह यार, वो पाकिस्तान ने तो दुम बचा दी है यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो हम मौजूद हैं हमारे एक बहुत ही अच्छे क्लाइंट के साथ, जो कि हमें ना तो जानते थे ना पहचानते थे, किसी के थ्रू रब्ता हुआ और थोड़ा सा टेंशन में थे कि यार बच्चे हैं, फैमिली है, सर्दी है, होटल में गर्म पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होटल कैसे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी, ट्रैवल ज़्यादा तो नहीं करना पड़ेगा। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी माशाल्लाह, हम इरफान भाई के साथ यहाँ घूमने आए हैं, हमें बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला, ऐसा मिला कि जैसे जन्नत का टुकड़ा ही हो, और ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जो हमने कभी ज़िंदगी में अपनी देखिए को मिला। कैसी रही होटल्स? होटल माशाल्लाह सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। कैसा रहा ट्रांसपोर्टेशन हमारी? ट्रांसपोर्ट भी इनका माशाल्लाह अच्छा है। फैमिली माशाल्लाह खुश है, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं माशाल्लाह, उनको तो आगे जाने का भी बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है कि इससे भी आगे जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह। तो दोस्तों हम मौजूद हैं हमारे एक और क्लाइंट के साथ छम वाटरफॉल पे, और इनसे सुनते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और हमें कैसे ज्वाइन किया। मैंने तो लिंक से ज्वाइन किया तो मेरे जो भाई है ये वो डी टी सी सब इनके हैंड ओवर है, जो जाए टूर कराते मीन्स के बंदे में बात है ना, तभी तो सब करवाते हैं भाई इनसे।